Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग के लिए जा रहे हैं Minecraft Speedrunner versus Hunters. तो basically इसमें चार Hunters होने वाले हैं, जिनका target है मुझे मारना और मेरा target है End Dragon को मार के game खत्म करना. बट गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एमएक्स प्लेयर पे एक शो देखा था, मत्स्या कांड, जिसमें मत्स्या नाम का एक ब्रिलियंट कॉन मैन है, जो कि हमेशा अपने टारगेट से दो कदम आगे रहता है और वो अपने एनिमीज को ऐसा फील कराता है कि जैसे वो लोग जीत रहे हैं, बट एंड में मत्स्या बाजी पलट देता है. और इस शो में मैंने एक चीज नोटिस करी कि मत्स्या में मीन्स एक कॉन मैन में और एक गेमर में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, क्योंकि एक गेमर भी हमेशा मास्टरमाइंड सोचता है, प्लान बनाता है, ट्रैप बनाता है अपने एनिमीज के लिए. सेम कॉनमैन भी यही करता है उन्हें ठगने के लिए, और किसी को पता भी नहीं चलता. और कॉनमैन कभी अपना असली नाम रिवील नहीं करता गेमर्स की तरह. मींस गेमर भी तो यार अपना निकनेम से ही बात करते हैं गेम में आजकल. फिलहाल आज स्पीडरनर वर्सेस हंटर्स होने वाला है, और इन सभी हंटर्स को हराने के लिए मैं इंस्पायर हूं मत्स्या से, और मैं करने वाला हूं इन सभी हंटर्स को कौन अपने मत्स्या कांड मूव से, जो कि आपको आगे पता चलेगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. All right, guys, तो ये चारों लोग रेडी हो चुके हैं मुझे मारने के लिए. लेट्स गो, 3, 2, 1 स्टार्ट. ओ तेरी भैंस की, चारों ही बहुत तेज भागते आ रहे हैं. मुझे घूम के ना भी यहाँ से सीधा चलना चाहिए. फिलहाल सामने एक विलेज है, अगर मैं उस विलेज तक पहुंच जाता हूँ तो मुझे वहां से बहुत अच्छी लूट मिल जाएगी, लेकिन ये लोग इतने हल्के नहीं है, इनसे मुझे ना पहले पीछे छुड़ाना होगा. अगर मैं लूट में लगूंगा तो हो सकता है मुझे ये पहले ही टपका दे. फिलहाल तेरी भैंस की, निकल यहाँ से. ओ तेरी, ये मारेंगे भाई. वैसे ना अभी मैं इन विलेज को लूट नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे मत्स्या कांड मूव के लिए सबसे पहले पीछा छुड़ाना होगा. जैसे मत्स्या कहते हैं ना, अगर परीक्षा में अव्वल आना है तो तैयारी भी पूरी अव्वल होनी चाहिए. खैर अभी काफी ज्यादा दूर आ चुका हूं मैं इन लोगों से, और यहां पर थोड़ी बहुत वुड, थोड़ी बहुत क्या, पूरे के पूरे ट्रीज से भरा हुआ है जंगल. फटाफट इंपॉर्टेंट टूल्स मैं बना लेता हूं. फिलहाल अभी मैंने यहां पर एक एक्स और एक पिकएक्स बना लिया है, जल्दी से इसे तोड़कर मैं यहां से निकलता हूं, क्योंकि वो लोग भी यहां पर पहुंचते ही होंगे. मुझे ना अभी सबसे पहले अपने लिए आयरन की टूल्स और आयरन का आर्मर बना लेना चाहिए, क्योंकि आगे की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मत्स्या कांड मूव के लिए. बट हाँ, इसको मैं ओपनली करूंगा तो ये मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, मुझे काम शुरुआत में छुप के करना होगा. ऑलराइट, तो अभी मैं केव के अंदर आके छुप चुका हूं, और यहां पर मैंने जो खाने का इकट्ठा करा था उसे पकने के लिए लगा दिया है. फिलहाल यहां पर मैं थोड़े अच्छे टूल्स बना लेता हूं. पहले मेरे पास वुड के थे, बट अभी मैंने स्टोन के बना लिए हैं. अब स्टोन से भी अच्छे होते हैं आयरन के, तो फटाफट से यहां पर मैंने आयरन भी ढूंढ लिया है, जल्दी से इसे भी माइन करके स्मेल्ट करते हैं. लेट्स गो, अभी मैं ढेर सारा आयरन भी लेकर आ चुका हूं, और अपना फूड भी यहां पर कुक हो चुका है. जल्दी से यहां पर आयरन रख देता हूं. पर हां, इतने आयरन से अपना काम नहीं चलेगा, मुझे यहां पर थोड़ा बहुत और आयरन ढूंढना होगा, जो कि मुझे इस तरीके से माइन करने पर शायद से मिल जाएगा. फिलहाल शायद पीछे, ओ तेरी, ये लोग यहां पर कैसे कितने, भाई साहब ये इतनी जल्दी मेरे को कैसे ढूंढ लिया इन्होंने. वेट भाई, आखिर ये चार लोग भी तो है ना. एक सेकंड रुक जाओ, मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत आगे आना होगा. यहाँ पर एक बंदा इसकी ऐसी मैंने यहाँ पर ब्लॉक लगा दिया, जैसे निकलने की कोशिश करेगा मैं इन्हें मार सकता हूँ. मैं डर क्यों रहा हूँ, मेरे पास इनसे तगड़े टूल है. तेरी भैंस की, निकल, तू भी निकल. ओ तेरी भाई, ये तो गया. बेचारे आए तो थे मेरे को मारने, लेकिन मर के गए हैं, और अपना सारा का सारा सामान भी मुझे दे गए. और इसी के साथ मैंने एक लावा पूल ढूंढ लिया है, और इनके सामान से मैंने वाटर बकेट भी बना ली थी. अब जल्दी से मैं एक पोर्टल बना लेता हूँ यहाँ पर. लेट्स गो, तो फाइनली यहाँ पर पोर्टल भी मैंने कम्प्लीट कर दिया है. अब बस मुझे इसे फ्लिंट करना है, और जल्दी से चलते हैं नेदर में. अभी मैं ये नेदर में तो आ चुका हूँ, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये फोर्ट्रेस कहाँ पर होगा. और एक सेकंड, ओ तेरी भाई, वेट, ये लोग यहाँ पे भी आ गए. इनके पास जो कंपास है ना, उसमें मेरी लोकेशन दिख रही है, और अभी मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं सिर्फ एक प्लान लेकर नहीं चलता, अपने पास बहुत से प्लान रहते हैं. मुझे अभी इसे ट्रैप में फंसा के यहाँ पे मारना होगा. और वेट, ये तो खुद ही अपने आप ही इस ट्रैप में फंसता जा रहा है. अगल बगल लावा है, मैं इसके एक शॉट में मार के इसे लावा में गिरा सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ से खुद ही बेचारा एक गड्ढे में जाके गिर गया. अब तो इसको कोई नहीं बचा सकता. इसे एकदम प्यार से मारूंगा, ताकि इसका सारा का सारा सामान भी मुझे मिले. वेट, एक शॉट मैंने इसके मार दिया, दूसरा और तीसरे में खत्म. जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से दिमाग लगा के मारना है. ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने उसका सारा का सारा सामान लूट लिया है. फिलहाल अभी मुझे यहां से निकलना चाहिए. बट फिट, ये तो सारे के सारे मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, और अभी शुरू हो चुका है मत्स्या कांड का पहला अध्याय. ये जो मत्स्या कांड मूव है, ये जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले. लेट्स गो, इन सभी को मैंने नीचे बंद कर लिया है इनके पहले वाले प्लेयर की तरह, और सभी पे लावा डाल के यहाँ पर इनको मैंने जला के मारा है. ये अभी ना ही बाहर निकल सकते हैं, ना ही अंदर बचे रह सकते हैं, क्योंकि लावा इनको अच्छे से चबा के खा जाएगा, और खा गया. लेट्स गो.
और अभी भी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। खैर मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे पता है मैं लावा में नहीं गिरने वाला हूँ। फिलहाल अभी मुझे ये फ्रंट डायरेक्शन में ही चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है सबसे पहले मुझे फोर्ट्रेस इधर कोई मिले। बट वेट, ओ भाई ये हंटर्स तो मेरे पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ गए हैं जैसे मत्स्य के पीछे वो तेज राज पुलिस ऑफिसर पड़ा था। लेकिन मुझे कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं इनसे आराम से पीछा छुड़ा सकता हूँ। ये चारों मेरे पीछे भागते हुए आ रहे हैं, मेरी हेल्थ कम है बट मैं जल्दी से जल्दी अगर ऊपर चले जाऊंगा तो शायद मैं इनसे बच जाऊं। और वेट, अभी ये सारे के सारे नीचे रह गए क्योंकि मेरे पास काफी सारे ब्लॉक्स है। लेकिन नहीं, तो ये चलाया तुम्हारे भाई ने मत्स्य जैसा शातिर दिमाग। अगर मैं ऊपर चढ़ने की बजाय उनसे भागने की बजाय उनसे लड़ने की कोशिश करता तो शायद वो मुझे मार डालते। फाइनली थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे इधर रेड बायोम तो मिल चुकी है और हमेशा रेड बायोम के आसपास होता है फोर्ट्रेस, बस इस बार भी मिल जाए तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा। बट हाँ, मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसे फोर्ट्रेस वगैरह मुझे यहाँ से और नीचे जाना होगा। तो अपना बेसिकली पूरा का पूरा प्लान ये है कि मुझे फोर्ट्रेस में जाके ब्लेज पाउडर इकट्ठा करना है, ब्लेज को मार के, और ब्लेज पाउडर के बाद मुझे आई ऑफ एंडर बनानी है जो कि बनने वाली है एंडर पर्ल और ब्लेज पाउडर को मिला के। लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा ब्लेज के स्पॉनर पे और सामने तीन तीन ब्लेज मेरा इंतजार कर रही है। बट अब तो तुम पिटे, रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे अपोनेंट्स भी मेरे पास नहीं आने वाले। बच गया, हाँ कोई है क्या? आ जा बेटा आ जा, अब बताता हूँ। एक पड़ा, दूसरा भी, ओ जला दे। ओ भाई भाई, फाइनली मुझे एक रोड मिली। कुछ इसी तरीके से मुझे बहुत सारी रोड इकट्ठी करनी है। इसी के साथ एक और रोड, इसको भी करा खत्म। चलो भाई, इसका भी दी एंड, लेट्स गो। शायद से मुझे 7 से 8 रोड की ही जरूरत है। इसको भी मार के मैं 8th रोड कलेक्ट कर लेता हूँ और अभी फटाफट से मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो गाइस, अभी बस मुझे ड्रैगन तक पहुंचने के लिए एंडर पर्ल चाहिए। और एक कॉनमैन के लिए ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता, सेम वैसे एक गेमर के लिए भी ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता क्योंकि मुझे सामने ब्लू बायोम मिल चुकी है। और मुझे ये बात मालूम है कि ब्लू बायोम में एंडरमैन स्पॉन होते हैं जहां से मुझे ढेर सारी एंडर पर्ल मिल जाएगी। इसको भी मारा, इसने भी एंडर पर्ल दे दी। तो चलो भाई, फाइनली 16 एंडर पर्ल मैंने इकट्ठी कर लिया इन्हें मार मार के। और तेरी घास कस्ती, खले यहाँ से इसकी बैंड बजा दी। ठीक है, तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ सारा सामान लेके। ओ भाई, नीचे तो इन्होंने पूरी फील्ड बिठा रखी मुझे मारने के लिए। भागो वहां से। तो मैं जैसे तैसे पीछा छुड़ा के बाहर निकल आया क्योंकि मुझे उनके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे आई ऑफ एंडर मार के पता करना है कि आखिरकार एंड पोर्टल कहां पर है क्योंकि हमें एंड ड्रैगन का रास्ता वहीं से पता चलेगा। वेस्ट हो गई है, लेट्स गो। डायरेक्शन मुझे पता चल चुकी है। ऑल राइट, तो उसी डायरेक्शन में मैं काफी देर से मूव करता करता बहुत ज्यादा आगे आ चुका हूँ। लेकिन अपनी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि ये तेज रात जैसे हंटर्स ने ना मुझे यहाँ पर आते हुए देख लिया है और ये चारों मेरे पीछे भागते हुए आ रहे हैं। ऑल राइट, तो अपनी बोट मैं दूसरी साइड पर लेकर आ चुका हूँ और अभी मुझे थोड़ा आइडिया लग चुका है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड यही कहीं पर है। बिकॉज मैं जब भी आई ऑफ एंडर यूज कर रहा हूँ तो वो यही कहीं पर जा रही है। एक बार थोड़ा सा ऊपर चल के सेफ लोकेशन पे चल के ट्राई करके देखता हूँ कि आखिरकार अभी आई। ओ वेट, ये नीचे जा रही है, यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड नीचे है। तो मुझे अभी फटाफट से कलेक्ट करना है और नीचे जाना है। यहाँ से नीचे जाने के लिए मैं डायरेक्टली स्ट्रेट डिग करने वाला हूँ क्योंकि ये कभी भी आके मुझे मार सकते हैं। ओके, तो फाइनली डिग करते करते मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड की एंट्रेंस मिल चुकी है और मैं आ चुका हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में। और अभी मुझे मेन पोर्टल का रास्ता ढूंढना होगा। लेफ्ट वाली साइड भी मैंने चेक कर लिया, मुझे वहां पे भी एंड पोर्टल नहीं मिला। और कोई, अबे ये लोग इतनी फास्ट यहाँ भी पहुंच गए। अबे भाई एक मिनट आज, ओए एक नहीं दो नहीं चार हो आ गए। मुझे ना अभी यहाँ से निकलना होगा वरना मैं भाई इस सिचुएशन पे आके बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। और ये चारों इस बारी भाई फुल तैयारी कर कर आए और मुझे कोई भी भागने का उनके ऊपर क्रीपर फूटा, उनका एक बंदा शायद से मारा गया। तीरी ऐसे निकल यहाँ से। ओ भाई मेरे को भागना होगा। मुझे ना अभी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किधर जाके छुपना चाहिए क्योंकि वो लोग कहीं से भी आ सकते हैं और मेरे पास ज्यादा हेल्थ भी नहीं है। वेट 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 वेट, ऊपर जाना भी काफी ज्यादा रिस्की है। बट वेट, सामने मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है, इधर क्रीपर है। अबे यार क्रीपर को मारूं कि ये सिल्वर फिश का स्पॉनर तोड़। भाई वाह, मेरे को भी से तोड़ना होगा। लेट्स गो, मैंने इसे तोड़ दिया है और यहाँ पर सिल्वर फिश टपक गई मेरे ऊपर भाई बच्चों। तो फाइनली मैंने जैसे तैसे करके इन सभी सिल्वर फिश को मार दिया है और अभी जल्दी से इस पोर्टल को स्टार्ट करके चलते हैं एंडर ड्रैगन के पास उसे मारने के लिए। बट उससे पहले मैं वहां पर जाऊंगा, मुझे पता है ये लोग मुझे आके परेशान करेंगे और हो सकता है कि मेरा ध्यान एंडर ड्रैगन पे रहे और ये लोग मुझे मार दें। तो टाइम आ चुका है मत्स्य कांड मूव का और इस मूव के थ्रू मैं इन सभी का गेम खत्म करने वाला हूँ। अब गाइस देखो,
ये कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने बीच रास्ते में कुछ ड्रिप स्टोन्स कलेक्ट कर लिए थे। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये लोग यहाँ पर आएंगे तो इनको लगेगा मैं अंदर चला गया, कोस पोर्टल स्टार्ट है। शायद ही इन्होंने एडवांसमेंट पे फोकस करा होगा। और जैसे ही उसके अंदर जाएंगे मैं इनके ऊपर ये ड्रिप स्टोन गिराऊंगा, ये उस एंड वर्ल्ड में जाके इनके सर पे गिरेगा और ये मरने वाले हैं। फिलहाल अभी मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी है और इस क्राफ्टिंग टेबल से मुझे ट्रैप डोर बनाने है। और ट्रैप डोर बनाने के लिए सिंपल मुझे शेयर रखना है, इन ट्रैप डोर को मुझे लगाना है यहाँ पे। और पूरा सेटअप करने के बाद बस मुझे यहाँ पर बैठ कर इनके आने का वेट करना है, क्योंकि जैसे मैंने मत्स्य से सीखा है कि अच्छा शिकारी वो नहीं होता जिसका निशाना अच्छा हो, अच्छा शिकारी वो होता है जिसमें धैर्य रखने की क्षमता हो। गाइस फाइनली अपना वेट ओवर हो चुका है, ये सभी हंटर्स यहाँ पर आ गए हैं मुझे मारने के लिए। बट शायद से इन्हें डाउट हो रहा है क्या, मुझे थोड़ा सा ना छुप के रहना पड़ेगा। ये तीनों अंदर गए, वेट अभी यही तो मौका है इनके ऊपर ही गिराने का, लेट्स गो। मेरे को ये अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा सा गिराते रहने हैं और जैसे ये उस वर्ल्ड में पहुंचेंगे इनका सर फूटेगा ना, जो ये भी कहेंगे भाई किस ओवे एक बंदा गया, लेट्स गो। यहाँ पर दूसरा भी गिराया। तो यही है गाइज अपनी मत्स्य कांड मूव कि हमने बंदे को मार दिया लेकिन बंदे को पता भी नहीं चला कि कब कैसे और कहां से मारा गया। लेट्स गो, एक के बाद एक बंदे यहां पर मरते जा रहे हैं। और अब हम लोग चलते हैं एंड में, अब बस सामान बटोर लेते हैं, ज्यादा कोई मुश्किल काम बचा नहीं। एंड ड्रैगन को मारना है बस मुझे, और शायद से अब इनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची होगी कि यहां पर आकर मुझसे लड़े। और अब ड्रैगन को तो मैं एकदम मस्त आराम से मारने वाला हूं, इसके एक एक करके सारे के सारे टावर फोड़ूंगा। ये वाला टावर भी फोड़ दिया, इस वाले को भी उड़ा दिया। ओके तो सारे के सारे टावर इसके फोड़ दिए, बस मुझे इसके नीचे आने का इंतजार करना है। तो ये फिलहाल अभी नीचे आ चुका है, इसकी एचपी मैं ऑलरेडी लो कर चुका हूं और अब मुझे बस इसे पूरा फिनिश करना है। बस ये इस बारी मर जाएगा अगर ये यहां से उड़े ना तो, और इसने मुझे उड़ा दिया। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एमएलजी करके इसे बच सकते हैं। बेटा अब तू आ, नीचे तेरा मुंह तोड़ता हूँ मैं। लेट्स गो। ड्रैगन दोबारा से नीचे आ चुका है और इस बारी मुझे थोड़ा बहुत गुस्से में लग रहा है। अभी रुक जा, तेरे को मैं बताता हूँ। ओए ये क्या हो गया, ये गायब गायब कैसे हुआ बे? हैं गया एक और, ओ मैंने उसको मार दिया था। तो इसी के साथ मैंने एंड्रू ड्रैगन को मार के गेम खत्म कर दिया है, भले ही मैं खुद भी उसमें मारा गया। बट हाँ मेरे साथ ना ये पहली बार हुआ है कि मैंने एंड्रू ड्रैगन को मार दिया और मैं खुद भी मर गया, मतलब दोनों मर गए। सो गाइस अभी आप सभी ने देखा मुझे एक शातिर कॉनमैन जैसा खेलते हुए। अगर आप में भी वो दम है किसी एक गेम में कॉनमैन जैसा खेलना तो अपना मत्स्य कांड मूव का वीडियो बनाओ और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर डालो विद हैशटैग मत्स्य कांड मूव। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में जाके अपना बेस्ट पार्ट जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।